मन प्राण जीवन धन सब भगवान को चरण में डाल दो, आत्मसमर्पण। लेकिन कुंती ने पंच पांडव को मेरा चरण में डाल दिया, इसलिए एक बाण भी लगा नहीं। जो मेरा शरण ले लेता है ना, उसको कोई बाल टेढ़ा करने सकता नहीं। लेकिन नॉट ए नॉलेज फॉर ए रिलीजियन, धर्मों का बारे में आदमी का नॉलेज ही नहीं है। गुरु है, गुरु का गुरुत्व तो रहना चाहिए ना, भगवान को मिलना है जी। गुरु जो मंत्र दे दिया उसको जपते रहो, विश्वास करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारा सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम ब्रजमंडल के एक और संत के चरणों में आए हैं और आज एक विशेष प्रश्न लेकर के आए हैं कि भक्ति क्या है? क्या रोज जो परिक्रमा लगाते हैं उसको भक्ति कहते हैं, या जो रोज बैठ करके माला का जाप करते हैं क्या उसको भक्ति कहते हैं, या जो टोकरी में भगवान जी को लेकर के भक्त जो जाते हैं ना मंदिरों में दर्शन करने के लिए, क्या उसको भक्ति कहते हैं? क्या है भक्ति, भक्ति का स्वरूप क्या है? आज संत के मुख से इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आज हम आए हैं श्रीधाम ब्रजमंडल के एक बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं उनके श्री चरणों में। तो आइए बाबा को पहले प्रणाम करते हैं। आप सभी मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम बाबा को निवेदित करें। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे। बाबा सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी। तो हम 1986 में घर छोड़ के आ गया, बच्चा था जब जन्म हो रहा था। बाबा आपकी जन्म स्थली कहाँ की रही? वेस्ट बंगाल का शरीर है। वेस्ट बंगाल में आसनसोल है ना, वही जाएगा शरीर है। लेकिन हमारे बज में रहते रहते 19 साल हो गया यहीं नंदगांव में, ये जगह में। उससे पहले हम गोवर्धन में रहता था, अभी नंदगांव में। तो 2004 से आपको ब्रजवास करते हुए कितना समय आ गया? अभी 19 साल हो गया ब्रज में। 19 साल से आप ब्रज में रह रहे हैं बस। लेकिन हम प्रवचन करता है, भगवान का बार में बताता है जी, जैसे प्रचार हो जाए, भगवान का प्रसार लाभ करे, प्रकाश हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में था, वही चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाठ किया जी। गौड़ीय मठ मठ में हम पाठ करता है। और जो जो प्रश्न पूछता है पहले हम बता देते, अरे प्रश्न क्या कर रहा है, पहले प्रसन्न करो ना, उसके बाद तो प्रश्न करेगा जी। तो जो एक लड़का है, जो पुराना है, सो हमको बुलाया। अब जो भक्ति के बारे में बात है, ये जो रहस्य है जी, ये तो हम तो निताई चैतन्य परमुख से मेरा गुरु है, उनका पास हम 18 साल रहा था। उसके बाद ब्रज में हम आ गया, आकर के राधा कुंड में पढ़ाई किया व्याकरण जी। उसके बाद बाल ब्रह्मचारी है, भजन करते करते आज हमारा उम्र हो गया 63 एज हुआ। तो बाबा कैसे कृपा श्री जी ने आपके ऊपर करी, क्योंकि ब्रज में तो वही आवे जहाँ पे श्री जी कृपा करें। हम पहले सुने त्रिलोको पृथ्वीधन्य यत्र विंदनपुरी तत्रापि गोपिका पर राधा विदा मम। त्रिलोक से पृथ्वीधन्य है, पृथ्वीधन्य से वृंदावन धन्य है, इसलिए नाम सुन करके हम यहीं आ गया। और वृंदावन का महिमा जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधा राधा हुई। चलो सखी वहाँ चलो जहाँ बसत बजराज, गौरस बेचे हरी मिले एक पंथ में दोनों काज। राधा मेरा स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म होए मेरा वृंदावन में बास। चाकर रहूं तो गुलाम नहीं तुझे दर्शन पाऊं, वृंदावन का कुंजे गली में राधा राधा गुना गाऊं। यूं बच्चा से जब मीराबाई जा था उस टाइम किताब पढ़ाता हम, और ऑल इंडिया में जितना ही वाइटल प्लेस तीर्थ स्थान है हर जगह में घुमाए बच्चा से संत है। इसलिए देखते देखते हमको सबसे अच्छा ब्रजमंडल ही लगा है। ऑल इंडिया में ऐसा कोई धर्म स्थान नहीं है जी जो हम 2-4 बार नहीं, हिमालय से कन्याकुमारी तक सतपंथ से हर जगह घूम लिया। लेकिन सबसे अच्छा लगा है
वृंदावन जय। और उसके बाद नंद गांव से गांव नहीं, वृंदावन से वन, लेकिन टू द प्योर, ऑल थिंग्स आर द प्योर। आप लाल चश्मा पीनेगा तो जगत लाल ही देखा जाए। पहले आपको अच्छा होना है, भजनानंद संत होना है। जे आप बता रहा है जे क्या क्या है, तो ये भक्ति का अंग होता है 64 प्रकार। जे श्रवणम, पहले श्रवण कौन कौन किया, पुरखित राजा श्रवण करके भगवान को मिला है, कीर्तन करके प्रहलाद नारद भगवान को मिला है, पादो श्रवण लक्ष्मी को मिला, लक्ष्मी जी को मिला है, प्रहलाद को मिला है, श्रवण पादन अर्चन बंदन अक्र को मिला है, पृथ्वी को मिला है। इसलिए एक भक्ति को कोई ले लेगा, एक भगवान को शरण ले लेगा, तो भगवान प्राप्ति होगा ही। क्यों क्यों अन्य उभले शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा, वही उत्तम भक्ति है। हम किसी को ढूंढ रहा, हम किसी को देख रहा, किसी को बता रहा, तो यही बात नहीं है। मन प्राण जीवन धन सब भगवान को चरण में डाल दो, आत्मसमर्पण। आज बाबा घोर कली काल चल रहे हुए और कलयुग ने कलयुग का आयु तो 4,32,000, उसके बाद कृष्ण भगवान पृथ्वी में प्रकट था 100 साल, उसके बाद 25, 6 महीने, 7 रोज जी। अभी 650 कृष्ण भगवान जो अप्रकट हो गया उसका अभी 650 साल हुआ है, लेकिन जब से कृष्ण भगवान चला गया द्वारका से तब से कलि आविर्भाव हो गया जी। उसके बाद लास्ट दापर का था, गोल्डन जन एंड आयरन एज स्टी हेयर ऑल टाइम्स चेंटिंग प्रसिद्ध वेरी ब्यूटीफुल लाइफ इज द चैलेंजिंग स्ट्रगल इट योर, लेकिन भगवान को चरण में वरण करना बहुत 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 कठिन है। जो अभी कम से कम 24 घंटा से 18 पूरी घंटा 20-25 साल भगवान के चरण में लगा देगा, वो भगवान को प्राप्ति करेगा। ये तो सीधे बात नहीं है, थोड़ा परिक्रमा लगा दिया, राधे राधे कर दिया और कुछ कर दिया, होगा नहीं। कारण हम लोग देख रहा है ना, इससे होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला नहीं है। भगवान को क्या कहाँ से क्या कृपा करेगा वो भगवान जानता है जी, लेकिन होगा ये भी बताना कठिन है। आज जो हम भक्ति को स्वरूप देख रहे हैं, भगवान जी को टोकरी में लेकर के लोग जा रहे हैं मंदिरों में और वहाँ दूर से दर्शन कराते हैं, क्या ये भक्ति का स्वरूप है? नहीं, दर्शन तो सुदर्शन होना चाहिए। या रोज जो परिक्रमा देने जा रहे हैं क्या वो भक्ति का स्वरूप है? परिक्रमा क्या जीवन किसको कहें, क्या है भक्ति? क्रम, जिस पर में जो क्रम है हमारा चल रहा है, जो ब्रह्मचारी है भगवान का भजन कर रहा है, वो जो क्रम है इसको क्रम को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इसको परिक्रमा कहता है जी। जीवन में हमारा क्रम है। अच्छा, लोग राधा मेरे सामने नीचे राधे राधे कहेगा तो कोई ना कोई इस जन्म में नहीं होगा तो कोई ना कोई उसका सुकृति समझकर होते रहता है। जिस दवाई खाएगा तो जरूर उसको कुछ ना कुछ बीमार हटेगा, लेकिन क्या जो होम्योपैथी की दवाई नहीं, एलोपैथी नहीं, उपार्सन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान के ऊपर लगे रहो, आज नहीं, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, जिंदगी भर जितना दिन आपको जन्म हुआ है, तब से जब से आपको किडनी शुरू किया, जब से आपको सांस चला है, तब से भगवान को लगे रहो। भक्ति कैसी होनी चाहिए जीवन में, भक्ति को क्या स्वरूप? नहीं, सोच लीजिए गीता में जो दिया, गीता में दे रहा क्या, दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध का हुआ 1430 ख्रीष्ट पूर्वाब्द 16 दिसंबर 16 ग्रहण, तो कृष्ण भगवान 52 मिनट 700 श्लोक बता दिया था, 52 मिनट में। जैसे भीष्म पितामह को 68 बाण मारा था अर्जुन ने जी, तो देखिए कृष्ण भगवान कह रहा और अर्जुन सुन रहा, दूसरा कोई नहीं सुन रहा। अर्जुन आकर के पीछे खड़ा हो रहा है, क्या छुपा करके बात करता है, अरे बात कहो। देखिए क्या बात है गीता का। तब दुर्योधन क्या कह रहे हैं, पितामह शंख बजाओ, युद्ध शुरू करो। तो पितामह क्या कह रहे हैं, नहीं, ये जो वासुदेव सर्वमिति समत्व सुदुर्लभ, जो वासुदेव जो सर्वत्र वास करता है, वही युद्ध किया, वही युद्ध शुरू करेगा, वही खत्म करेगा, वही है। तो भगवान के लीला समझना बहुत कठिन है।
तो दुर्योधन कभी कह रहा है गंधारी धृतराष्ट्र, ये वासुदेव अब क्या युद्ध किया, ये हमारा सब पुत्र मर गया और पांच पांडव को एक बाण भी लगा नहीं। तब कह रहा देखो गंधारी, हमको कभी कहा तुम ये मेरा पुत्र को दे रक्षा करना, कुंती ने पंच पांडव को मेरा चरण में डाल दिया, इसलिए एक बाण भी लगा नहीं। जो मेरा शरण ले लेता है ना, उसको कोई बाल टेढ़ा करने सकता नहीं, इसके मेरा शरण में आना चाहिए, उसका बाल भी बांका हो नहीं। उन्होंने निश्चिंत मांग योजना पूर्ज पास थे ते सब युक्त ने जय खा बाम माम गीता में दे दिया। मनमुना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुरो माँ में बोसे तो प्रेम, हे अर्जुन हमको मन को दो ना। तब भी अर्जुन कह रहा वासुदेव ये मन का देना बहुत कठिन है, जैसे हवा होता है ना वो मुट्ठी में नहीं रहता है, आपका मन भी आपका मन में रहता नहीं, आपका मन बच्चे अर्जुन तुम अभ्यास जो। हमारी लौकिक भाषा में एक कहावत हो बाबू, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके जो जग भैरी हो। लेकिन बताना सीधे है महाराज, इसका कठिन हम तो ध्रुव पल्लव नहीं, हम साधारण कलिजुग का आदमी है, भक्तो सर्व उपाधि में निपटता, कोई उपाधि नहीं रहेगा, हम भक्त मन में नहीं लेना है। बाबा सरलता से जीवन में भक्ति कैसे प्रकट हो और क्या हमें नियम, सरल का एक उदाहरण दे रहा सोच लीजिए जी, नारद, नारद जो नरलग में भक्ति प्रदान करता है उसको नारद कहता है। पहले जन्म में उपहवन नामक गंधर्व था, उसको सांप से कलिजुग के मर्तदाम में आया, वो ते बार वैकुंठ में जा रहा तो कोई भक्त पूछ रहा है ये महाराज कहाँ जाएगा, तो मुझे नारायण के पास, मुझे मेरा बात बताइए ना जो थोड़ा कृपा करे। और एक भक्त बताए महाराज बताओ ना ये सब उसका चरण मिल जाए, और कोई भक्त बता रहा महाराज बताओ ना जो हमको मुक्ति मिल जाए, तो आने का टाइम नारद को पूछ रहा बता है, मुझे नहीं, मुझे क्यों, मुझे देख रहा भगवान सुई का अंदर में हाथी पार कर रहा। तो कोई भक्ति नहीं, असंभव है ये भी, तो असंभव है, लेकिन एक भक्त तो पहचान लिया जो नहीं, जो पीपल बरगद पेड़ है उसमें इतना बड़ा पेड़ को इतना छोटा बीज में जो घुसा दिया तो अनंत ब्रह्मांडों को सुई में घुसा देगा भगवान, ऐसा विश्वास होना चाहिए जी। विश्वास का ऊपर धरित्री चल रहा, गुरु तो हजार मिलते हैं लेकिन भजन कहाँ है। जपोरे 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 हरि नाम मधुमाखा हे नाम, कथा बोलिते पथ चलिते मुखे नाम हरि नाम, पति निश्वासे दृढ़ विश्वासे करो भाई हरि नाम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक जीव का एक एक धर्म है, सत्य जुग हरिण था हरे मुरारे मोदे को भारी गोपाल गोपाल जी को मधुसूदन, एक युग में, लेकिन कली युग में आदमी को आयु कम है, विश्वास कम है, निद्र जाता है, कामुक है, भुखारते रहता है, इसलिए कली युग में सरल कर दिया हरि नाम को। लेकिन ये जो सनातन को सही भजन कुटी रहे चैतन्य महाप्रभु, जब उसका उम्र था 1400-1700 के मास फाल्गुनी हमें जन्म लिया गौर गुणमुनि, और इंग्लिश में 1486 ख्रीष्टाब्द नदिया जला मायापुर में उसके प्रिय शिष्य सनातन गोस्वामी भेंट हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, उसको इसके के आमी कैनो मोरे जारे तापोत्रोय, हु एम आई, आई एम नॉट ए पर्सन ऑल टाइम इट सॉरी व्हाई, क्यों, इसको वही प्रश्न किया था राम ने जब उम्र था 16 साल दशरथ को, क्यों आदमी कितना दुख है। वही आदमी बृहस्पति के पुत्र कच बृहस्पति के किया कौन है मैं, तब वो राम ने वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र पोत्री चेवन सरदान भिगो इस तो पुलो सब मुनि के बुला करके समाधान किया। तो ये बृहस्पति कह दिया जो तो एक काम करो तुम शुक्राचार्य जी को पास जाओ, शुक्राचार्य जी उसके भेद है। उसके बाद जितना जितना युग युग एक ही है, लेकिन ये प्रश्न समाधान करना एकमात्र गोविंद जानता है, इत चंद कुलापुंसो कृष्णश्च स्वयं भगवान, वही जानता है कृपा क्या है,
कुछ करो, लेकिन विधि बड़ो बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु कायदा है। आप सोचिए धार्मिक है लेकिन है तो शांति नहीं मिलेगा जी, लेकिन इसका धर्मों का जानना बा मानना ये बहुत कठिन बात है। लेकिन आप भी जो देख रहे कलि युग है, सबसे परिक्रमा लगाना सरल है, चलो राधे 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 राधे, बस वो सोचते इसमें श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण जप कर रहा तो वो जानता नहीं जे हरि नाम में 10 प्रकार नाम अपराध और 64 प्रकार सेवा अपराध। हेन कृष्ण नाम लो यदि बहुबार तथापि तो नहे प्रेम नहे अश्रुधार तब तो जाने भी अपराध प्रचुर ताय कृष्ण पे में ना हो अंकुर। नाम अपराध है हम अहंग में हम सर जो जड़ जगत जानता है जिसका रिपु प्रकट है। बाबा कौन कौन से नाम अपराध लगे? सत निंदा, कोई साधु कोई निंदा कर ले ये पहले नाम अपराध है जी। उसके बाद शास्त्र प्रति ताच्छिल्य भाव, कोई आप जानता है भागवत अच्छा है लेकिन खरीदेगा नहीं पढ़ेगा भी नहीं, वो भी अपराध। हाँ अपराध अपराध है। आप जानबूझ के ब्राह्मण ब्राह्मण होता है ब्राह्मण कर्म कौन चतुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विवेक हेवड़ी चार वर्ण सृष्टि है गुण का कर्म का अनुसार। कोई बुरा कर्म करे तो बेकार जीवन है, लाइफ इज द चैलेंज स्ट्रगल इट योर। लेकिन आपको जो है सोच लीजिए मधुमक्खी को कौन कह देता है कहाँ स्वेद है वो ढूंढ लेता है। ऐसे कोई अच्छा भक्त होगा जी तो उसको गुरु भी अच्छा मिलेगा और वो भजन भी अच्छा करेगा। हम कर हुए हम आई आई एम नॉट अ पर्सन, हम कौन है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं यार। जैसे पहले आत्मतत्व जब तक आपको पता नहीं चलेगा जी, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, कौन सो रहा, किसको प्यास लग रहा, कौन सुन रहा, कौन देख रहा, कौन सपन देख रहा, इसको जो पता चल जाएगा महाराज उसको ही भक्त कहना है। तो पहले इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। हाँ पहले इस ये कौन सो रहा इस रहस्य, आज सुनिए आज सुनिए, पहले बुद्धि मन को बता रहे वृंदावन जाएगा तो पंच कर्म इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय बाक पानी पाद उपाय उपस्थ चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक छय रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य पंच तन्मात्र रूप रस गंध स्पर्श शब्द मन बुद्धि अहंकार चित्त काल, ये 24 तत्व को जब जान जाएगा आप पहले अपना को आप ढूंढो। दूध का अंदर घी रहता है लेकिन घी को देखा नहीं आता है, उसको निकलना पड़ता है। बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर बीज है और बीज के अंदर पेड़ है, उसको देखना है उसको सचना है तब तो ऐसा ही भगवान है। 24 आवर नींद क्या जगह, जिसका वैराग्य का आग लग गया शरीर में, एक सेकेंड एक मिनट घंटा दिन रात्रि सप्ताह मास साल बितार जा रहा, जिसको कहता है अखंड मंडलाकार व्याप्तम या चराचरम, जिसका खंड नहीं है जो व्याप्त है, जो गुप्त नहीं है जो व्याप्त है, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा। गुरु का प्रणाम मंत्र कह रहा अखंड मंडलाकार व्याप्ति न चरा तत्पदर्शी तक जाना, उस वही गुरु को ही हम प्रणाम करता है जो हमको दिखा दिया जगत में भगवान बोल के छोड़ के कुछ है ही नहीं, वही तो गुरु है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यम संशया खियंते सर्वकर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापुरी, जो हृदय ग्रंथि के भेद कर देता है, जो सकल कर्म को खाई कर देता है, सकल संशय को दूर कर देता है। लेकिन गॉड इज द ओमनिप्रेजेंट, सर्वत्र कृष्ण करे झलमल, दर्शन करता है कौन जिसका आंख निर्मल। आप माया दर्शन करेगा तो भगवान को कहाँ से दर्शन होगा आपको, ये तो जड़ जगत तो माया है। पहले क्या चाहिए आप, कृष्ण को चाहिए ना जड़ जगत चाहिए, आप चुन लो क्या चाहिए आपको। ये दोनों चीज एक साथ तो नहीं हो ना, एक एक सोच लीजिए एक ग्लास है हाँ। ग्लास में पानी पानी डाल दिया हाँ। तो उसका दूध डाल के बेकार हो जाएगा नहीं जी। तेल डाल दिया बेकार हो जाएगा, तीनों बेकार हो जाएगा, इसलिए एक एक को डालो जो एक में पकड़े जी। देख आपको खाटी रहेगा, इसलिए आप कन्हैया को पहले साधु का जीवन अमृतमय अमृत जहां मरता नहीं है, लेकिन वो टिकता नहीं है भक्ति में भजन में टिकता नहीं है, बहुत दूर है। जैसे गाना है बहुत दूर नगरी कैसे आऊं मैं तेरा नगरी, कैसे आऊं मैं तेरा नगरी, एक एक गान के भी अर्थ भी है लेकिन आदमी लोग गा देता है, लेकिन नॉट ए नॉलेज फॉर ए रिलीजियन। धर्मों का बारे में आदमी का नॉलेज ही नहीं है। गुरु है, गुरु का गुरुत्व तो रहना चाहिए ना।
बिल्कुल, इसका गुरुत्व नहीं है, इसीलिए तो हम भटक रहे हैं, पूरा ज्ञान है ही नहीं। नहीं, ज्ञान से ज्ञान ही लड़े हो ज्ञान का बात, और मूर्खों से ज्ञान लड़े चले घूसी और लत गाली खा जाएगा अब जहाज का जमाना में। बस भगवान सुनिए, प्रूफ का जी ओ डी गॉड हो गया और उलट दो डी ओ जी डॉग हो गया, जी ओ डी डी ओ जी। ऐसा ही भगवान को जो चाहता है, कीप साइलेंस, नॉट ए पर्सन, नॉट ए चैटर, ऑल टाइम इज चेंटिंग, चुपचाप जप करते रहे। हम लोग कोई नहीं, हम जानता है लेकिन मानता नहीं कोई, और सब भटक रहा। अभी पॉपुलेशन कितना इंडिया में, ये 100 करोड़ 40 करोड़, लेकिन इसलिए सोच रहा है जी घर में संसार में शांति नहीं, चलो वृंदावन में मिलेगा। अरे कहा मिलता है तुमको, मैंने इतना इतना बात सीधे नहीं है जो भगवान को मिले। मैंने संतन के मुख से सुनियो है, हाँ बताओ, कि जीवन में भक्ति को दर्शन होना चाहिए पर दर्शन नहीं होना चाहिए। बस सही, तो वो दर्शन कैसो है, कैसो दर्शन होना चाहिए? पहले आत्मनिवेदन, जो हमें पता चले कि सामने वालों जो व्यक्ति है वो भक्त है, तो भक्ति को कैसो दर्शन जीवन में होना चाहिए ना। भक्त तो किसे कहता है, लेकिन सीधे बात में, जो सरल बात में, जो 24 घंटा भगवान का साथ जुड़ा रहता है, भागवत का साथ जुड़ा रहता है, भक्ति, भागवत, भगवान, भक्त सब एक ही चीज है। जो 24 घंटे 24 आवर, आप चला गए तिलक लगा ले घर में चला रहा, बस दूसरा काम में लगे नहीं, सुबह से उठ करके नींद जाने का बाद भी जप करेगा, सोते सोते जप करेगा, ऑल टाइम्स इज चेंटिंग, ऑल टाइम आदत पड़ जाएगा ना, इसको जो है ना वो बड़ा हो जाएगा जप करते करते, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, वाइब्रेशन होगा अंदर और कुछ बोलेगा नहीं। कृष्ण बात छोड़ के जगत में बात है ही नहीं। तुम कितना तो सलाह किया, हम लोग बंगला में कहते हैं टाका उलट दो कांटा बन जाते हो, मानी भी हाँ मानी ब्रिंग्स माने बार नोट पीस, टका माने पैसा और कांटा माने बस कांटा हो गया, बस पैसे को उल्टा कर, अच्छा बस वही तो बात है, लेकिन ढूंढने से नहीं मिलते। एक जगह बैठो, ऐसा जगह बैठो कोई ना बोले उठ, और ऐसा बात को कोई ना बोले झूठ। भगवान को मिलना है जी। गुरु जो मंत्र दे दिया उसको जपते रहो, विश्वास करो, ज्यादा नहीं। हम लोग तो अनुभव किया, ये ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल में, 5-7 में भगवान सिंगल आ जाता है, भगवान सामने आ जाते हैं, सिंगल आ जाएगा आपका, यहां है, हाँ यहां है, 5-7 साल में, 5-7 साल में अनुभव होना, और उसके बाद 14 साल राम वन में क्यों गया जी? पहले देखिए शत्रुघ्न एक मंथुरा को मारा था, इसीलिए क्यों शत्रुघ्न नाम है, वो अपना शत्रु को 24 तत्व विजय किया जी। इसके जब शत्रु को जय जय कर लेता है ना, उसके भारत जब प्रेम में भर गया, देखिए वो सुत कृत्य उसका नाम है, कृत्य फैल जाएगा, भरत का स्त्री का नाम मांडवी भर जाता है वो, उसको तो लक्ष्मण जिसका लक्ष्य एक जगह में है, राम छोड़ के कुछ नहीं जानता है, उसको तो सीता का शीतल छाया मिल गया ना, थ्योरी है रामायण का थ्योरी है। कैसे कैसे भाव है, मैं तो आज अच्छा भाव का अभाव है महाराज, भाव का अभाव है, भाव नहीं है आदमी को, आंख में पता चल जाएगा आप कितना जप करते हैं, माला में पता चल जाएगा आप कितना जप करता है, उसका पैदल में साधु को दो तरीके का चलन रहता है, हंस चलन और हस्त चलन, जब पैदल जाएगा ना वो चींटी को मारेगा नहीं जी। क्यों? हाथी को जो बह के ले जा रहा, चींटी को वही बह के ले जा रहा। बिल्कुल, तो देखो ये आदमी को कोई गैरेज में मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल होता है, ट्रक ट्रक, बस से बस, लेकिन भगवान के गैरेज में सारी चीज एक जगह में हो रहा है, चींटी भी पैदा हो रहा, हाथी पैदा हो रहा, सारा धरित्री पैदा हो रहा है एक ही जगह में। आप देखिए सोच लीजिए, बिजली का बिल देता है तो सूरज का बिल क्यों नहीं देता है? वही तो एनर्जी है, वही तो बात है। लेकिन हॉस्पिटल में तुम आप ऑक्सीजन लेगा तो पैसा लगता है, तो गोविंद का इतना ऑक्सीजन ले रहा क्यों नहीं पैसा दे रहा? कौन नारियल में इतना पानी दे रहा? कौन इतना फूल में शहद दे रहा, इतना खुशबू दे रहा? कौन गन्ना में रस दे रहा? सारा जगत भगवान का ही है। आप जब जन्म लिया नहीं तब वृंदावन 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 था, मरेगा तो वृंदावन रहेगा, तो हमारा क्या अधिकार है वृंदावन का? हाँ ब्रजवासी है, अरे ब्रजनासी है, ब्रजवासी ब्रजवासी, जो ब्रज में ब्रजवासी उसको ही कहता है, जो कृष्ण कन्हैया को सेवा करने के लिए जिसका जन्म है ब्रज में वही ब्रजवासी है, जो सेवा छोड़ के कुछ नहीं रहेगा। अरे हम लोग क्या है, कोई तीर्थ में आ गया मतलब वृंदावन गया, अरे उसका
बुरा कर रहा उसको, पैखाना करके भरा के थुथु पेल के नुंगरा करके चला जाता है ट्रेन में। क्या लाभ है? व्हाट इज प्रॉफिट फॉर योर ट्रेवलिंग? इट इज वाइटल प्लेस, इट इज योर, नॉट अ प्रॉफिट। फिर कैसे आना चाहिए उसका श्रद्धा? देखिए हम लोग जब ट्रेन में आता, हम तो ब्रज में आता है लेकिन भक्तों को नहीं लाता है। ब्रज में आने मथुरा, मथुरा माने मंथन दंडो, जो जो बिलयत है ना माठा को, उसको माखन को जी उठा देता है उसको मंथन दंडा कहता है। असली चीज को उठा दिया, वो ऐसा भक्ति है वृंदावन में, वो भक्ति का जगह, थोड़ा जाप करो भक्ति पैदा हो जाएगा। इसलिए मथुरा नाम दिया। जब मथुरा में ट्रेन से उतारते पहले सिर को नीचे करो, धूला ना धूल धूल ये चरण चरण का धूल राधा कृष्ण का है, ये साधारण धूल नहीं सर। क्या धूला ना धूली ना, यही तो बोझेर रेणु, ये मेके चिलो नंदर बड़े कानू, राधार प्रेमेर ऋण सौदवे से दिन नवोद्वीपे गौर मन हरि, साधेर पद साधेर गोलोक छिड़े पोथेर कांगल से जान धुलाए गोड़ा गोड़ी। श्रद्धा होना चाहिए, सत्य भक्ति होना चाहिए। आज भी प्रिया जी लाल जी नित्य, अरे हम लोग को दर्शन होता है महाराज हम लोग को। अच्छा और क्या, तो ऐसे बात कह रहा, भगवान कंठ में बैठे देख रहा क्या हो रहा। राधा के उलट दो तो धारा हो जाता है, कितना को आंसू आ रहा धारा, ऐसा स्टेज पार हो गया भगवान का एकदम। 24 घंटा हद 10 दिन 15 दिन आंसू आ ही रहा, आंसू आ रहा, आंसू आ रहा, पाप पाप गीला हो जाता है आंसू 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 नहीं। देखो रोमेश बाबा कितना गोपाल कितना बुलाया, एक दिन आपका आवाज को बैकुंठ पास चला जाएगा, जहां आवाज में कुंठ नहीं रहेगा। 24 घंटा एक राधे राधे राधे, क्यों? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का आयु है, हर हमारा आयु कितना है वो अनंत ब्रह्मांड के पास, करोड़ों करोड़ों साल सूर्य का आयु है, उनसे हम 60 मैंने खाट 70 मैंने खत्म हो जाएगा आपको बस। तो सोचने ये माया में देवी जैसे गुणमयी मोह माया दुरुत्तया माँ बजे प्रपद्यंत माया में तन, हे अर्जुन मेरा शरण ले लो, माया इतना ही दुर्वर माया, माया हटता नहीं। पर संसार की माया इतनी प्रबल है कि प्रभु के चरणन तक जान ही ना दे, कैसे जाए हो जाए वो माया को अलग हटाए कि नहीं, प्रभु के चरणन तक कैसे पहुंचो जाए ना। अपना से इच्छा, इच्छा पहले इच्छा होना चाहिए। गोविंद को बार बार प्रार्थना करो, कृपा करो नाथ, कृपा करो नाथ। भोर में जहां जहां जगत सो रहा आप उस टाइम जागो, जब जगत सो रहा सारा रात जिसका बीमार होता है तो जागे रहता है, नींद नहीं होता है, वैसा उसका बीमार है भगवान पाने के लिए, वही बीमार है उसका भगवान। एक सेकंड मिनट घंटा दिन तुम इतना ही है, अभी तुम था, ये जो सूरज है धरित्री से 13 लाख गुण बड़ा है, आप कहाँ चला गया? इसके आरती मारती, आरती में आकुल होता है व्याकुल होता है, उसके आरती कहता है पंचभूत पंच प्रदीप। आप सोचो कौन सांस ले रहा, ये तो बंद नहीं हो रहा, कौन स्वप्न देख रहा, इसको आप पहले ढूंढो। जब आप अपना को ढूंढेगा ना तो गोविंद अपना से मिलता है, इसको ही जीव का स्वरूप, आप स्वरूप क्या है जान लो पहले, जानो। बाबा बड़ी सहजता में आपने कह दिया, ये इतना आसान तो नहीं, हम लोग संसार ना आसान ही है। हाँ आप पहले दो पा आगे बढ़ो, भगवान चार पा जाता है, लेकिन आप बढ़ता नहीं, आप माया में घिरे रहता है। बदन देवी जैसे गुणों में मोह माया, दुर्बार माया है। तो आप बिल्कुल परम सत्य कह रहे हो, भगवान कहे हैं जो कोई धावे एक पग, जो कोई भक्त एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं धावूं पग 60, मैं 60 कदम चल के जाता हूं, भक्त एक कदम बढ़ाए और मैं। आप सजने सुने, आप जब बड़ा हो गया रोते 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 बड़ा हुआ जी, उसके बाद थोड़ा सा जवानी आया, देखो कहाँ पीछे डोल रहा, मोबाइल के पीछे डोल रहा हूँ, फेसबुक कितना बुरा बात है देख लो, आप जानता नहीं जी। फेस मैंने मुख और बुक मैंने बुक, दर्शन कर लो फेसबुक तो आप भक्त बनेगा बाबा। सारा रात ब्रह्मचारी है कर्मचारी है वो, ब्रह्मचारी मोबाइल से क्या मतलब है हमारा, पूछ लीजिए हमारा मोबाइल नहीं है। अच्छा आप नहीं रखते? नहीं, क्या क्या जरूरत है? हमारे विनोद बाबा कहते हैं कि मोबाइल में कलयुग बास करे, है तो वही तो बात है, तो क्या जरूरत है, दूर रहना चाहिए। विनोद बाबा कहते हैं कि मोबाइल, देखिए वो भी बंगाली है, देखिए विनोद बाबा अच्छा से जानता है, तीन कोड़ी गोसम के चला है वो, जी जी बरसना में रहता है जी, प्रिया कुंड में, वो भी आपको पहचानता है। नहीं अच्छे संत है, बढ़िया जीवन अभी तो ना, अभी विनोद बाबा रमेश बाबा ये संत नहीं है, भगवान का पार कृपा है उन लोगों का,
अपार की बात, भगवान तुल्य है वो। तो कई बार ना ये चीज मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न करे कि जब ये महापुरुष चले जाएंगे तो हम दर्शन कौन के करेंगे। वही तो बात है, धरती हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो ये जाएंगे ही जाएंगे, भाई जाना तो पड़ेगा। फिर हम जैसे लोगों ने दर्शन कहाँ से होंगे ऐसे महापुरुषों के। अब प्रेमानंद बाबा है, वो भी ब्रज की नदी है हमारे वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा। अब एक समय तो ऐसा आवेगा बाबा, भगवान ने जानो पड़े हो तो आप संतन को भी जानो ही पड़ेगा, हमें भी जानो। अवश्य देखिए ना भागवत में लेकिन कृष्णायो वासुदेवायो हरये परमात्मा ने पणत क्लेश नाशायो गोविंदाय नमो नमो पूर्णमिदं प्रणमदं पूर्णात् प्रणमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओं वशिष्यते शांति ओं शांति। तो इसको आप बताइएगा तब ना जी, चुपचाप रहेगा तो आपका मन का बात हम कैसे जानो। बिल्कुल, इसलिए कृष्णायो वासुदेव, हे वासुदेव कृष्ण, कृष्णायो वासुदेवायो, हे वासुदेव तुम सर्व वस्तु में विराज कर रहा, हरे परमात्मा ने, हे परमात्मा हमारा जो दुख है ना त्रिताप जला आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जला को हमको मिटा दो। तो हरे परमात्मा ने हरण कर लो, हे परमात्मा, हे परमात्मा हमको हर इसको त्रिताप जला को हरण कर लो, तीनों तापों का हरण करो। वसुदेव वंशुदोंग देवम कौशिकान मर्दनम देवो के परमानंद कृष्ण वंद जगत गुरु, हे जगत गुरु हमको कृपा करो सारे जगत के। वही था वही तो जी। आज व्यासदेव ने 2,00,000 श्लोक को लिखा है किताब में, आज नहीं रह जाता तो कौन भगवान को पहचानता। आज चैतन्य महाप्रभु निताय चैतन्य नहीं आ जाता तो राधा कृष्ण का लीला कौन पहचानता है, कहां से प्रकट होता। तब तो बांग्ला में बहुत अच्छा अच्छा बात है, सड़ गोस्वामी रूप गोस्वामी, जैसे भागवत में प्रहलाद टॉप लेवल का है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी टॉप में है, उसको फॉलो करो। ये भी कोई साथ मुआ, मुआ, मुआ जो ना गोतेश्य पंथा, मुआ जो ना जो पथ में गमन किया वैसे पथ गमन करो, कितना त्याग देखे लिए। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, ये भूमि भी कोई साधारण नहीं महाराज, सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली है ये भूमि जहाँ बाबा विराजमान है। ये ऐसे महापुरुष रहे महाराज जिन्होंने साक्षात अपनी भक्ति के माध्यम से समस्त जगत को कल्याण करो है, और सनातन बाबा यहीं रह के नया बहुत साल तक भजन करो है, उसका चरण का धूल के मिला हुआ है जी। लेकिन उसका चरण धूल मिल जाए तो हाथी क्या कहता है बीच में धूल लेता है सिर पर, ऐसे कब कृपा हो जाए। बाबा मैंने ऐसा सुनो है कि भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते 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 जीव लास्ट में जाए कि नहीं है, जब भक्ति की चरम सीमा पे पहुंचे तो भगवत स्वरूप है जाए, भक्त भगवान हो जाता है। हाँ, वही हो जाता है। प्रहलाद को क्या किया भगवान जी, लेहन करने लगा गोद में ले लिया, बस भक्त का ही लक्षण है। भक्त में और भगवान में फिर कोई फर्क नहीं रहता ना, वो भगवान उसको वैकुंठ में लेके चली जाता है। अच्छा, ये चरम सीमा है, बस भक्त का प्रहलाद को चरम सीमा है, भगवान का क्या किया, मतलब प्रहलाद भगवान में विलय हो जाता है, बस वही तो बात है। आत्मा रूपी भक्त परमात्मा रूपी भगवान में मिल जाता, बस उसको ले लेगा वो जी। लेकिन तब भी माया का प्रभाव इतना ही है, देखिए वो तो बताएगा नहीं, वहाँ ज्यादा समय लग जाएगा। प्रहलाद से बामन पुराण पढ़ के देखिए, ध्रुवो भगवान के प्राप्ति किया, लेकिन लास्ट तक देखना है, इतना सीधे तो सावधानी नहीं हटी ना, सावधानी हटी और दुर्घटना 24 तत्व देख लीजिए, 24 गुरु जी, एक एक करके पढ़ के आप उपलब्धि कर लो क्या चीज है। वैसे अभी जो सनातन गोस्वामी भजन कुटीर है, अभी जो बहुपाद था जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जब ये कृष्णदास बाबा जी हैं, वो बहुपाद का साथ खोल बजाता था, जब बहुपाद गाना गाता था उस टाइम। अच्छा, सनातन बाबा कृष्णदास बाबा जी, अकिंचन और निष्किंचन दो बात है, निष्किंचन में कुछ नहीं है और अकिंचन सब कुछ है भगवान के लिए, अकिंचन में कुछ है ही नहीं कुछ नहीं है हम लोगों का, कुछ नहीं है दूसरा जगह में। आज 20 साल हो गया हमारे पास, कभी एक ईंट भी था नहीं, कुछ नहीं, यहाँ वो काम डूबते डोलते रहता है। अच्छा, लेकिन रात में नींद भी नहीं है तो एक सेकंड मिनट घंटा कितना चली जा रहा, तो भगवान तो दर्शन नहीं हो रहा, ये तो विरह होना चाहिए। द गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, लेकिन तब भी विरह। कृष्ण कह रहा राधा को, राधे तुम रो रहा तो हम आ गया चुपो, बस नहीं बुलाने के लिए रो रहा, अभी जाने के लिए रो रहा, अब तो चली जाएगा, रहेगा तो नहीं, इसको विप्रलम्ब भाव कहता है। अभी तक तो आने के लिए रो रहे, आने के लिए रो रहा, आप चले जाएंगे इसलिए रो रहा, इसको विप्रलम्ब रोना दोनों स्थिति,
वही तो बात है। लेकिन हर टाइम दोनों राधा कृष्ण माने आत्मा, आत्मा ऐसा ही चीज है, वो आदमी एक ही आत्मा है, इन्हें आत्मा कोई दूसरा रहता है, एक ही तो आत्मा है, इसे शरीर को अलग अलग है लेकिन आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है, बिल्कुल सत्य। लेकिन राधा धारा कृष्ण को पूछ रहे, राधा आपका कौन है? बच्चे कौन नहीं है, वो सब तो मेरा ही है, राधा कृष्ण अलग चीज नहीं है। वो तो बता ना गाना में है ना, वो चंद्रमा है तो उसका वो ज्योत्सना हुई है, मीठा है तो उसका स्वाद हुई है, पानी है उसका तरलता हुई है, तो राधा कृष्ण पर फर्क फर्क नहीं, एक ही तत्व, एक ही तत्व है। और अगर हम फर्क करते हैं तो अपराध करते हैं। बस तो अपराध माने क्या है, मतलब तो मुर्दा आदमी है महाराज, रोज रात में मरता है, नींद जाने का पहले जाने का नंदगांव है और जागने के बाद नंदगांव है, बीच में जानता है थोड़ा ही तो बीच में जान जाएगा तो उसे भगवान प्राप्ति पे मांग। सारे जो संसार के कलेश है ना, वो सोने के पहले और जगने के बाद है, बस बीच में कुछ नहीं, वो तो मृत्यु है। हाँ, बीच में तो फिर परम आनंद है, बस जगने के बाद में सारे झंझट है और सोने से पहले जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न ऐसा मन, जी जैसा कर्म करेगा ना वैसे सपनों में भी आएगा, बुरा बुरा। हाँ बिल्कुल, जो भगवान का लेते हैं भगवान का सपने जाको जैसे चिंतन रहे वो चिंतन ही स्वप्न में दिखाई दे, अगर प्रभु को चिंतन है तो प्रभु दिखाई देंगे, और क्या, और अगर हमारे गंदी वस्तुओं का चिंतन करते हैं तो वो दिखाई देंगे। महाराज आजकल का युग में, आजकल का जमाना में एक सोच लीजिए, कोई ब्रह्मचारी माला का दुकान कर रहा है, जी दुकान में दो कान, कान पत के बैठ रहा है, कौन बताएगा क्या लेना है? और इधर कोई एक लड़की लोग किताब का दुकान कर रहा है, हिम्मत है उसका ब्रह्मचारी बनना? इतना सीधे बात नहीं है, इसलिए जो बता देते ना हम ब्रह्मचारी, कपड़ा से क्या मतलब है, और जीवन में देखो साधु केरुआ नहीं लिया। मैंने कई पुस्तक में पढ़ा था बाबा कि जिसकी दिनचर्या मन को गोविंद को लगाओ, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म के समान है वो ब्रह्मचारी है, केवल ब्रह्मचारी कहने से नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्म में जो चारण करता है, ब्रह्म में विचरण करता है 24 आवर वो ब्रह्मचारी है। लेकिन भूर है तब भी केवल स्त्री भोग ना करना भी ब्रह्मचारी नहीं, ना। और हम लोग उसका मतलब यही लगाते हैं कि जिसने जीवन में कभी भोग नहीं किया वो ब्रह्मचारी है, पर ये सत्य नहीं। जितना मुनि ऋषि लगोत्री चमन वशिष्ठ सरदान भिगु अगस्त्य पुलस्त्य पुलो त्रिअंग्र मारिचि दधिचि कोतु वशिष्ठ सोवरी मधुचंद यज्ञ कपिल कुनाद, सब तो गृहस्थी था जी। आज गृहस्थी नहीं रहता पृथ्वी कहाँ रहेगा, कहाँ से महापुरुष अभी तो आएगा, वही तो बात है, आसमान से गिर बस या जमीन से प्रकट। आज आज देखिए अष्टम गर्भ में किसने वो मनाया, आज अष्टम गर्भ है, पहले साला उपासना कुछ ना कुछ करा रहा साला, लेकिन एक एक दिन ध्वंस का दिन आ रहा, डिस्ट्रक्शन जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन। बाबा आज आपने खूब कृपा करी है दास के ऊपर, खूब आनंद आयो है, परम आनंद आयो है, आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, जय निताय चैतन्य, हमारे गुरु जी का नाम है निताय चैतन्य परमोक्ष देव, आसनसोल में उसका मठ है जी, लेकिन हम ब्रज में आया उसको प्रचार करने के लिए। राधे राधे, हरे नाम है, दीनबंधु दास अधिकारी है। आज आपने बाबा महाराज के सत्संग के रूप में जो आनंद रस हृदय में अनुभव करियो है, वो आनंद आपको कैसो लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ब्रज के ऐसे महापुरुषों के दर्शन और उनकी वाणी का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, राधे।